बातें नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास नाइन्थ में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के अंतर्गत न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, ठीक है। अब साउंड क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे साउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड? आवाज नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, आवाज तो हो रही है लेकिन साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हीरिंग इन द इन आवर ईयर्स। मतलब साउंड हमारे ईयर में एक सेंसेशन आता है, क्या है? एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी है। साउंड इज द एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हीरिंग इन आवर ईयर्स। हम कहते हैं ना, अपने कानों में क्या होता है, ईयर्स में क्या होता है, ईयर ड्रम होते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम्स मतलब कान के पर्दे होते हैं ना। लोग बोलते हैं, यहां जोर से मत चिल्लाए, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, बोलते हैं ना। तो उसको हमको सेंसेशन आता है। तो अब ये एनर्जी है, अब ये एनर्जी कैसी होती है? दिस एनर्जी आर इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो किस रूप में होती हो? वो एनर्जी वेव्स में होती है। वेव्स यानी लहर। वेव्स यानी क्या होता है? लहर होता है। ठीक है, तो एनर्जी समझ में आया आपको? अब वेव जैसे समुद्र की लहरें होते हैं, वेव्स है ना, उसी वेव्स में वो एनर्जी क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं साउंड। जैसे हम देखिए, ये एक बोर्ड है, ठोका भी इसको, इसमें आवाज आया, आवाज आया कि नहीं? आवाज आया ना। अब ये आवाज इसलिए आया कि इसके पार्टिकल, दोनों के पार्टिकल आपने आपस में टकराए, वहां से क्या निर्माण हुई? वेव्स निर्माण हुई। क्या निर्माण हुई? वेव निर्माण हुई। और वेव निर्माण होने की वजह से क्या निकला है? साउंड बना। ठीक है, अब ये साउंड के लिए भी, साउंड हैव रिक्वायर्ड द मीडियम। उसको किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई बात? अब भाई ये मीडियम क्या है, तो अपने को मालूम है मीडियम क्या हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मीडियम से आवाज जो है, जो वेव्स है वो पास हो सकती है, वहां पे आवाज निकल सकता है। जैसे मैं भी यहां पे बोल रहा हूं, अपने रूम के अंदर में यहां पे क्या है? गैसेस है। तो क्या गैस क्या है? मीडियम। ठीक है, तो साउंड के प्रोपेगेशन के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? समझ में आया? साउंड के निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। लेकिन यहां पर क्या होता है, कभी भी साउंड जो है वो वैक्यूम से पास नहीं होता। वैक्यूम मतलब क्या भाई? वैक्यूम का मतलब होता है ना तो वहां पे सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। क्या है? ना तो वहां पे क्या सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, पूरा खाली खोखा है। तो वहां से साउंड पास नहीं होगा, वहां से साउंड पास नहीं होगा। तो साउंड के लिए किस चीज की जरूरत है? मीडियम। समझ में आ गई बात? अब एक बार बता देता हूं, यहां तक समझ में आया सबको? वैक्यूम से कभी साउंड पास नहीं होता, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब साउंड क्या निकलती है? वेव्स में निकलती है। क्या में निकलती है? वेव्स। इस प्रकार से वेव्स में निकलती है। क्या में निकलती हो? क्या में निकलती हो? वेव्स। ये इस प्रकार की वेव में वो साउंड निकलती है। ठीक है, तो साउंड में जो वेव्स निकलती है, तो इसको साउंड यहां से निकला तो ये क्या हो गया इसका? ये भाग मतलब हाई लेवल। ठीक है, हाई डेंसिटी, हायर डेंसिटी। यहां से साउंड निकला, साउंड निकला,
ये हायर डेंसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। फिर ये यहां पे आएगा ना, यहां पर इस भाग को बोलोगे क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो कंप्रेशन इज द चेन ऑफ, सॉरी द वेव्स आर द चेन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये चेन बनी है, समझ में आई बात? कंप्रेशन, सॉरी तुम्हारे साउंड इज गिव राइज टू चेन ऑफ कंप्रेशन, मतलब प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी एंड रेयर फ्रैक्शन प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी ऑफ मीडियम। समझ में आई बात? अब जो वेव्स होती है, ये जो वेव्स है ये होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी वेव्स आर? पहला है लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल। दूसरा है, दूसरी वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब जो पहले यहां सीधी लंबी निकलती है, लंबी वाली जो वेव निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखें, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर सेंट्रल मीन, सेंट्रल और मीन पोजीशन इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। यानी ये पैरेलल है, पैरेलल निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, सीधी सीधी लंबी निकल रही ना, तो इस वेव्स को बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। समझ में आई बात है ना? समझ में आया? अब उसके बाद में दूसरी वेव्स होती है, इन वेव्स क्रिएटेड ड्रॉपिंग स्टोन। अब देखिए, आप अपने संचित पानी में तालाब में आप पत्थर डाले हो, ठीक है, उसकी वेव्स कैसी गोल निकलती है, या ऐसी अप डाउन, अप अप एंड डाउन, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, उसका उसका ऑसिलेशन कैसा होता है, अप एंड डाउन, ठीक है, और इसका ऑसिलेशन कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। तो जिस जो ऑसिलेशन अप एंड डाउन होता है जिस वेव्स में, उस वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। पानी के अंदर जो आपने पत्थर डाल दिए तो छींटे उसके ऊपर से नीचे होंगे ना, से अप एंड डाउन, या फिर ऐसे लहरें निकलती है उसकी, देखिए देखोगे ना आपने, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया भाई बात, ठीक है। अब इसके बाद में एक फिगर है तुम्हारे, इसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन भी समझ में आ गया आपको, ठीक है, प्रोपेगेशन भी कैसा होगा ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक ग्राफ बनाएंगे, मान के चलिए ग्राफ बना रहे हम वेव्स का, ठीक है। ये वेव्स है, ठीक है। अब इस वेव्स में कुछ बातें समझ लेते हैं हम कि वेव लेंथ है क्या होता है, ठीक है। वेवलेंथ किसे कहते हैं? ये जो भाग है इसको एक सर्कल होने, कंप्लीट होने के लिए यहां तक एक सर्कल होता है, ठीक है, और ये एक सर्कल फिर यहां से शुरुआत होता है, दूसरा सर्कल होता है यहां तक के चलते रहते हैं। तो ये दोनों के बीच में ये वाला जो भाग है यहां तक का, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, उल्टा बाय, उल्टा बाय होता है ना सर, ना कैसे दर्शाते उसको,
लैम्बडा से। द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज इंडिकेटेड बाय लैम्बडा व्हाइल इट्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है। हाँ, अब दूसरी बात देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है प्रेशर और उसकी डेंसिटी, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, जिसको ये से रिलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो एम्पलीट्यूड क्या कह सकता है, एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इंडिकेटेड बाय ये। इसे दर्शाए इसका ये वाला भाग कौन सा होगा, इसका ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद में एम्पलीट्यूड में, हाँ उसके बाद में द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन यहां से, ये देखिए ये यहां से निकला है, वन ऑसिलेशन होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको टाइम पीरियड। ठीक है, ये वाला यहां से लीजिए स्टार्ट हुआ, उसका वन सर्कल यहां तक, यहां पे खत्म होगा। ठीक है, तो यहां पे इसको यहां तक आते तक, यहां तक जो आता तक, इसको जितनी भी जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, अब द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी एट पॉइंट इन मीडियम ईच कॉल द टाइम पीरियड एंड दैट इज डिनोटेड बाय टी। समझ में आ गई बात। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जनरली कैसे दर्शाते हैं, म्यू से, ये उल्टा यू, उल्टा यू है, उल्टा यू लिखा है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करके यू को हमने ऐसा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, मतलब जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब वन अपॉन टी। समझ में आया यहां तक, समझ में आएगा रे, हाँ? हमने क्या देखा, साउंड के बारे में। ठीक है, साउंड क्या होता है, साउंड इज द एनर्जी। साउंड क्या है, एनर्जी है विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू और ईयर। ठीक है, एक सेंसेशन जाता है अपने हियरिंग टू से, उसके बाद में, और दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स कितनी होती है, तो ये वेव्स कितने प्रकार की होती है, इसकी दो प्रकार, पहली कौन सी, लॉन्जिट्यूड। ठीक है, दैट आर ऑसिलेट इन टू पैरेलल, दूसरे के पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी वेव होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, वो ट्रांसवर्स में उसका ऑसिलेशन कैसा होता है, अप एंड डाउन। ठीक है, उसके बाद में कुछ बातें हमने देखी, इसमें से ये दो जो भाग है यहाँ का, इसको बोलते हैं हम वेव लेंथ। ठीक है, हायर डेंसिटी, दोनों की हायर डेंसिटी का जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है, वेव लेंथ है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, हमने इसको जो वेव को जाने के लिए, वन सर्कल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, एंड दीज आर डिनोटेड बाय टी। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, टी से। और फ्रीक्वेंसी जो है वो दीज आर फ्रीक्वेंसी आर डिनोटेड बाय यू, मतलब म्यू। ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन टी। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में हम एक चीज इसमें से देख लेंगे, डेरिवेशन, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये समझ में आ गया सबको, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है अपने को मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, मालूम है ना अपने को, पहले पढ़े ना हमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्टेंस है जो बताया था मैंने वेव में, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, टाइम हाँ टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गई बात, याद समझा टाइम पीरियड। तो अपने को मालूम है v इज इक्वल टू हम क्या क्या लिखते हैं, लैम्ब्डा लिखते हैं ना, अपॉन टी। ठीक है, अपॉन टी लिख दिए। अब हम इसी को ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये देखिए, देखो v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू वन बाय टी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, ये जब ये आ गई इसको इधर लिख दिए, टी मतलब वन बाय टी आ गया ना इसका, तो लिख दिया हमने, लिखे ना, लेकिन हाँ समझ आगे बात। अब इसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू लिख रहा है इसको। अब देखिए इसमें हम लोग ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, अब v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू वन बाय टी लिखे हमने, लेकिन हमको मालूम है वेलोसिटी म्यू इज इक्वल टू वन बाय टी है ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाय टी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या म्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना म्यू ऐसा आपको लिख सकते हैं है ना, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्ब्डा मतलब क्या है, ये वेवलेंथ इनटू ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गई बात, ये इसका डेरिवेशन हो गया। ओके सरल है बिल्कुल आज का, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, इसके बाद में फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा है, कैसा आया, समझ में आया तुम्हारा, हाँ, तो दस द वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम कह सकते हैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसका एक इक्वेशन हो गया, ये अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम है, ये फार्मूला कैसा है, समझ आ गई बात।